गुड मॉर्निंग मेरे भाई सारे ना, राम राम है। आ गया फिर एक और नवा ब्लॉग लेकर। आज आपने बताएंगे भाई कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा की कॉस्ट कितनी है और स्टूडेंट वीजा पर पीसे कितने लग गए हैं और भाई मेरे कितने लगे थे, मेरा एक्सपीरियंस के रहे ऑस्ट्रेलिया में के रुपये बना है, सारा सौदा आज बताएंगे ना ठीक है। और वीकली वाकली का तो मैंने आप तो बता ही रखा भाई, वीक में पीसे कितने बन जाए ठीक है, तो मंथ का उस तो आप इंक्लूड करके देख सको हो। और भाई फिर अपना गाड़ी गुड्डी का भी मैंने व्लॉग आप तो दे दिया है, आप देख सको, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो बता दे आज अपना फिर है, गाड़ी मेरी ठीक हो गया कि भाई थर तो दिखाई नहीं थी मना, या देखो यू गेट सारा भाई टूट गया था, एक्सीडेंट कर दिया था गोरे ना, यू सारा आगे का टप्पा टूट गया था, नीब नवी लाटा चढ़िया भाई इसमें, सारा बम्फर आया है नवा है, सारा सौदा भी नवा चढ़िया भाई गाड़ी में, तो तोड़ दिया था गोरे ने यू सारा, ईब अपना चढ़ गया है भाई नवा, यह दोपहर की डाइट पड़ी है केले और एक सेब। तो चलो तो नॉर्मली भाई मैं जब ऑस्ट्रेलिया मना फाइल स्टार्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया की, तो मना भाई मैं 2019 पास आउट हो बारहवीं में, तो बारहवीं होती सार भाई मैं बॉक्सिंग खेल लिया करूँ था, तो मैंने बॉक्सिंग छोड़ छाट दी थी ड्यू टू चोट चाट लग गई थी मेरा ड्यू टू सम रीजंस, लाइक मेरा भाई केटीएम थी तो केटीएम पता टूट गया था, या हड्डी टूट गई थी मेरी गिर गार का, उसके बाद मैंने पीटीआई लेट्स चालू कर दी थी, उसके बाद भाई पेपर पुपर दे गए थे मेरे 6.5 बैंड, फिर उसके बाद भाई मैंने फाइल फूल देखी भाई फाइल कड़ा लगवाऊँ के हिसाब है कौन से एजेंट बढ़िया है, तो मैं एजेंट का देखो आप तो नाम नहीं बता सकता मेरे का, बट मैंने बहुत एजेंट ट्राई करे, बहुत देखे हैं कुरक्षेत्र करनाल बेवा अंबाला चंडीगढ़ सारों को फिरया भाई मैं शुरुआत में, गेला मेरा बड़ा भाई भी फिरया भाई बहुत धक्के खाए भाई शुरुआत में, तो मम दोनों भाई एक ही लाइन में थे, मेरा बड़ा भाई भी आ, तो बड़ा भाई अपना जर्मन यूरोप में भाई इस टाइम पुर्तगाल, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो शुरुआत में तो भाई नॉर्मली अपना स्टूडेंट वीजा अपना आईलेट्स पीटी ते चालू हुआ चैनसी का क्या, शुरुआत में तो अपना वही नॉर्मल आईलेट्स पीटी ते चालू हुआ स्टूडेंट वीजा, तो उसके बाद अपना प्रोसीजर चालू हो भाई मेन ठीक है। तो नहीं करते करते भाई मैंने अपना एजेंट ढूंढ लिया था, एजेंट भाई मेरा पानीपत का था, ये चलो करनाल ही शिफ्ट हो रहा हो नॉर्मली, जो करनाल के बाड़ा का उन्हें पता लग गया कौन है वो ठीक है, जो पहला पानीपत है वो करनाल है, तो बहुत बड़ी एजेंट है मेरे हिसाब से, तो जिसका वीजा लग जाए भाई देखो बढ़िया ही है, है? बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, कोऑपरेटिव बंदा है बहुत है, तो भाई नॉर्मली मैंने करा था पैकेज ठीक है, मेरी 2019 पास आउट था 6.5 बैंड थे मेरे, तो मैंने करा था भाई पैकेज, मेरा एक साल वीजा रहा था कोरोना था पहली वीजा आ गया था मेरा, तो मैं इंडिया ही रहा था कोरोना में सारा, कोरोना एक साल में इंडिया ही रहा था, थोड़ी सी स्टडी भी करी थी फिर कोर्स चेंज कर लिया था मैंने, वो अपने बताएंगे अगर वीडियो में। तो नॉर्मली भाई मैंने दे दिए थे डॉक्यूमेंट 2020 में दे दिए थे, मतलब 2020 लगने था पहले स्टार्टअप से मैं, जब कोरोना हाँ लहर सी चल रही थी 21 के अलावा सीखो, तो मैंने दे दिए थे भाई मेरा वीजा आ गया था, मेरा वीजा आ गया था भाई जनवरी में 24 जनवरी ने 2021, तो 2021 में भाई मैंने 20 में तो मेरी पीटी हुई थी और खेले खुले तो बाँ बूँ तड़वा ली थी भाई, तो 2021 में भाई फिर अपना मना नॉर्मली पीटीआई लड़सो का मेरा फाइल फूल दे दी 2021 जनवरी 24 ना मेरा वीजा आया था, तो भाई फ्लाइट बंद थी ऑस्ट्रेलिया की, तो फ्लाइट बंद होने के कारण अपना मैं वहीं रहा, और भाई मेरे कुछ खर्चा आया था नॉर्मली जो स्टूडेंट वीजा का होकर भाई 5000 रुपये, तो भाई मेरा उसका आया था मेडिकल का जो मैं चंडीगढ़ कराया गया था पंचकूला चंडीगढ़ जोड़ सेक्टर 8 डीम हुआ चंडीगढ़ करवाया गया था सॉरी, और भाई मेरी फीस आई थी 9 लाख रुपये 6 महीने की, आईटी का स्टूडेंट था मैं, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में मेरा वीजा आया था भाई, मैंने चेंज कराया रखा है मैं पर्थ में रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया का मेरा वीजा था, आईटी मेरा कोर्स था भाई ठीक है, उसके बाद 9.5 लाख रुपये फीस भर का मैं आया था, मेरा नॉर्मली पैकेज था मोटा मोटा बता दूँ था ना भाई 15 लाख रुपये लग गए थे मेरे स्टूडेंट वीजा पर, जो पैकेज में मैंने काम करवाया था तो मेरे 15 लाख रुपये लग गए थे ठीक है, नॉर्मली जो स्टेप बाय स्टेप कराऊँ उनके भी इतने उनका नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 12-13 लाख रुपये लग जाए ठीक है, फीस फास का फंडिंग का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे जाओ भाई
ठीक है, मेडिकल हो भाई, मेडिकल तो चल बाड़ा खुद ही करा ले, 4-5 हज़ार रुपया, कोई बड़ी गेम नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, हेल्थ कवर इंश्योरेंस हो गया, और फंडिंग हो भाई 25-30 लाख रुपए दिखाने हो, 6 महीने 3 महीने पुराने। अरे भाई तो सारा करते कराते भाई चौखा टाइम हो गया, तो ऊपर लेटर नहीं आ रहा था मेरा भी, तो कंडीशनल तो आ गया था, कंडीशनल आया नहीं था, 20-25 दिन लग गया कंडीशनल में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया लेवल 1 थी उस टाइम भाई। तो उसके बाद करते कराते मेरा 20-25 दिन उस पर लग गए। फिर एजेंट बोलिया मेरा, भाई तू सही ले जाएगा नहीं, अपना मेडिकल कराया कर ला। मैंने सोचा मैं मेडिकल, मतलब भाई मेडिकल की डेट आएगी तो अपना वीजा वाला काम भी हो जाएगा, तो मेडिकल मैं कराया था भाई अगले दिन जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल में नॉर्मली अपना हार्ट बीट वगैरह, हाइट वेट सारा चीज़ें चेक हुआ, पूछा टीवी टावी था, बीमारी कभी थी परिवार में कभी किसी का, तो वहाँ सारी चीज़ें तो बतानी हो मेरे भाई नॉर्मली, तो यही हुआ बस। ठीक है, उसके बाद मैं आ गया था, अगले दिन मेरी SOP बनाया का एजेंट ने फाइल ला दी थी। तो शुक्रवार का दिन था मेरे भाई, जितना मेरे याद आ शुक्रवार का दिन था, शनिवार आया तो वरना एम्बेसी बंद होगा, तो मतलब शुक्रवार ने शाम न लाई थी मेरी फाइल, इंडिया के हिसाब था जो इवनिंग टाइम हुआ तो शाम न लाई थी मेरे भाई, सैटरडे संडे छुट्टी हुआ, और मॉर्निंग में ऑस्ट्रेलिया के टाइमिंग है, जो ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग है सिडनी की, ठीक है सिडनी तस्मानिया की है, तो मेरा 3 घंटे में वीजा आ गया था नॉर्मली। वो तो 2 दिन तो लाऊं फिर तो अलग बात है, नहीं जो जो वर्किंग डेज हुआ मेरा 3 घंटे में ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया था मेरा, बहुत बधाई हो पापा की मेहरबानी था, मेरा वीजा जल्दी आ गया था भाई। फिर उसके बाद ट्रैवल था, विद इन 15 डेज मैंने ट्रैवल कर लिया था ऑस्ट्रेलिया सिडनी COE लेगा, जब लॉकडाउन खुल गया था, लॉकडाउन में 1 साल में पड़े रहा, तो नॉर्मली खर्चा भाई मेरा मोटा मोटा 15 लाख रुपये लग गया था, 2 लाख की भाई मेरी टिकट हुई थी उस टाइम, तो 1 लाख रुपये में गेला लिया था, मतलब 18 लाख रुपये में मेरी गेम पड़ी थी। है गेम कह लो भाई, कुछ कह लो, अपने जो देसी भाषा उड़ा तो गेम ही कह है इंडिया में, तो नॉर्मली भाई मेरे 18 लाख रुपये लग गए थे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया आने में नॉर्मली। है भाई मेन डिपेंड करा कोर्स पर भाई, कोर्स कौन सा है बालक का भाई, कोर्स कौन सा है, तो कोर्स के ऊपर डिपेंड है भाई मेनली भाई, जो कोर्स था नर्सिंग का ले होगा उसकी फीस ज़्यादा, IT का ले होगा उसकी थोड़ी घट है, और भी बहुत सारे कोर्स है भाई, रहेगा तो कॉलेज में चेंज हो जाए, कुकरी काकरी कुछ भी ले लो, ऑटोमोटिव बहुत कोर्स है मेरे भाई, तो इट्स अप टू यू भाई था ना के करना के नहीं है, तो गोरी देख दी जान लग रही हूँ के कर रहा फोन में तो नॉर्मली भाई यू मेरा मोटा मोटा खर्चा आया था, और बहुत बढ़िया सीन लगा मैंने, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी कंट्री है भाई, हर एक चीज़ दे बंदे ना, लाइफ स्टाइल पैसा घर बार जो मर्जी ले लो भाई सारी चीज़ मिले ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो क्या थी मेरे भाई आज की वीडियो, ऑफर द बेस्ट था ना, पसंद आई होगी, मेरे चैनल ना लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव फ्रॉम पर्थ, बॉय फ्रॉम इंडिया।